नमस्कार दोस्तों, लेक्सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दो साल के बाद फिर से शिवग्राम में उत्सव होने वाला है। गौरतलब है कि लगातार दो सालों से कोरोना काल चल रहा था तो शिवग्राम आयोजित नहीं किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में जिला कलेक्टर के आदेश के बाद फिर से शिवग्राम फेस्टिवल लगने वाला है और कई राज्यों से यहाँ पे कलाकार आने वाले हैं। आइए आज आपको हम कलाकारों से मिलवाएंगे। जी तो हम पहुंच चुके हैं शिल्पग्राम के अंदर और मेरे साथ हैं गुजरात से आए हुए ट्राइबल लोग जो कि कला संस्कृति से अच्छे रूबरू हैं और वो पिछले कई सालों से यहाँ अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। उनसे जानते हैं आखिर वो किस कला का यहाँ प्रदर्शन करते हैं और क्या कुछ खास रहता है। ये सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं विनोद बागवत। किस तरह का आप डांस करते हैं और ये क्या कहलाता है? फोक डांस है हमारा, तो हमारे ट्राइबल में डांगी डांस बोलते हैं। और लड़के और लड़के साथ मिलकर करते हैं, पिरामिड बनाते हैं जी और थोड़ा डांस कर लेते हैं। क्या कुछ खास रहता है इस डांस में? कितने समय चलता है ये? ये 15 मिनट का पूरा होता है और इसमें हम अलग अलग पिरामिड बनाते हैं और उसमें किलकारी मारते हैं। हमारे आदिवासी का जो नृत्य है उसमें किलकारी बोलते हैं, उससे हमको एनर्जी आती है, जोश आता है। देखा आप लोगों ने किस तरह से ये बता रहे हैं कि ये ट्राइबल डांस होता है और 15 मिनट का होता है, जो यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, शहरवासी हैं, पर्यटक हैं, उनको मन मोह लेता है। शिल्पग्राम के दूसरे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ अभी फोक कलाकार हैं जो कि खास तौर से अलवर से आए हैं और ये पिछले कई सालों से यहाँ रहे और अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करते हैं। आइए हम उसे जानते हैं क्या कुछ वो दिखाते हैं, वो खुद अपनी जुबानी से। आप अपना परिचय बताएं। सर, हम अलवर राजस्थान में रहते हैं। मेरा नाम नूरुद्दीन मेवाती है। हम मुस्लिम योगी हैं और लेकिन हम शिव जी के उपासक हैं। ये शिव जी का डमरू जिसको हम बजाते हैं, एक तार का साज है, इसको बजाते हैं हम। गाने कुछ बनाए भी गाते हैं, मेवात लोग गीत गाते हैं। मेवात से माए मेवात अंचल हमारा पड़ता है। बिन मात्रे का जिला हमारा जिसकी शान निराली है और जहाँ एकता भाईचारे की छाई हुई हरियाली है। जहाँ से शिक्षा शुरू होती, पहला अक्षर ए का आता है, बाकी अक्षर 3 बजे जिनसे लवर हो जाता है। लवर सबको प्यारा है। राजस्थान राजधानी में जी अलवर जिला हमारा है। हम अलवर राजस्थान रहते हैं। हम गाने बना बना के गाते हैं और लोकगीत इसमें सुनाते हैं। एक तार का साज है, इसमें हमको भारत सरकार ने विदेशों में भेजा है, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है। शिल्पग्राम में हमारा गुजारा होता है, हमारा धंधा होता है। अब कोरोना की वजह से कुछ हम कमाने लगे नहीं थे यहाँ, हमारा बहुत अच्छा धंधा चला। 2 साल कोरोना का निकला, वो किस तरह से निकला? वो सर हमारा बहुत मुश्किल से निकला, बहुत हमारा धंधा ही यही है, और कोई धंधा है नहीं। पुश्तनी धंधा हमारा बाप दादा परदादा से यही चला रहा है। अब ये इसमें सब बहुत एंड बेड हो गया, इधर उधर हो गया सर। धंधे के लिए हम परेशान रहे, लेकिन ईश्वर की जो लीला है वो तो रोक नहीं सकता कोई। अब देखो फिर धीरे धीरे। कहा जाता है कि राजस्थान में जो संस्कृति है, कला है और कलाकार हैं वो सबसे ज़्यादा निकलते हैं। आपके बीकानेर से या अलवर से कई जिलों से कई सारे कलाकार निकले जो इंडियन आइडल तक पहुंचे हैं। हाँ सर, आप में से भी कहीं ना कहीं हमारा भतीजा है, आज वो हिंदुस्तान पे पूरे पे छाए हुए हैं, सलमान अली जी। ये बात का हमारे पुराने का जी, हमारा ही है। खुदा का बंदा पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा। जिस घड़ी की बात करे वो एक दिन हटा दी जाए। यार
आजकल घड़ी माने की जो कभी न टाली जाए। सब लोग भजन अति राम नाम अर्जन सुमन में ईश्वर में अर्जन भाया कहीं भी लगा मेरे बने समाज के लोग जो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, और भी हम आपको आगे शिल्पग्राम में कलाकारों से मिलवाएंगे। तो दोस्तों हम तीसरे पड़ाव में आ चुके हैं कुम्हार के पास, जो अपनी कला से किस तरह से कला को प्रदर्शित करता है, क्योंकि राजस्थान में कला की कोई कमी नहीं है, ना ही कलाकारों की कमी है। देखिए ये जो भैया हैं ये हमें बताएंगे कि किस तरह से वो इस कला की मार्फत अपना रोजगार चलाते हैं और क्या बना रहे हैं। भैया क्या बना रहे हो आप? अभी दही के लिए बनेगा। दही दही का पोस्ट कितना समय लगता है इसको बनाने में? तो अभी लगेगा 5-7 मिनट तो बनाने में लगेंगे जी, फिर उसके बाद में फिनिशिंग होता है। कैसे सीखा आपने बनाना? घर पर सीखा, मेरे फादर ने सीखा। फादर ने सीखा, कहाँ रहते हो आप? वैसे रहने वाला अरवल जिले से जी, मौलिया गाँव जी। अभी यहाँ पर देखिए ये एक दही जमाने का जो बर्तन होता है मिट्टी का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें इसमें जब दही जमा जाता है उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी अलग होता है। जो एक मशीन से जमता दही उसकी बात अलग होती है, लेकिन इस दही
इसमें दही जमाने से बहुत टेस्ट होता है, माना जाता है कि ये शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। ज़्यादा जो फेमस डांस है वो है कालबिलिया भी, और जोधपुर से आए हुए कलाकार हमारे साथ है, और वो कालबिलिया डांस किस तरह से करते हैं, क्या कुछ खासियत देती है वो खुद बताएंगे। क्या खास रहता है कालबिलिया डांस? तो हमारे खास है जो ये कालबिलिया डांस होता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे पहले बीन एंड डपली, और इनके धुन से सांप को गांव गांव लेके जाते थे और प्रसूति दिखाते थे और अपने पेट का गुजारा करते थे, और फिर धीरे धीरे सरकार वालों ने सांप को पकड़ना बैन लगा दिया। तो उसी हम हमारे कला को जीवित रखने के लिए हमारे जो कालबिलिया के डांसर होते हैं उसी कलर का हम हमारे ये कॉस्ट्यूम बनाकर पब्लिक और लोगों को खुश करते हैं और हमारा गुजारा करते हैं। अभी कहाँ कहाँ आपने इस तरह के परफॉर्मेंस किए, कहाँ कहाँ लोग आपको बुलाते हैं? हम ऑल इंडिया घूम चुके हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जा चुके हैं, मतलब ऑल वर्ल्ड में हम हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखा चुके हैं। कितनी देर का ये डांस होता है, उसमें क्या खासियत होती है? ये हमारे मतलब 7-8 मिनट का होता है जो कार्यक्रम होता है, उसमें पीछे ऐसे मुड़ के जो 100 रुपए का नोट होता है वो उठाती है और अंगूठे निकालती है, आंखों से जो हाथ में पहनने वाली अंगूठी है वो भी लेते हैं, मतलब बहुत ही। तो आप जो लोग सभी आए हो, आप पूरी फैमिली हुई या फिर सब अलग अलग लोग? नहीं, वैसे अभी तो फैमिली है, सब अलग अलग। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है शिल्पग्राम का सफ़र, और 21 से 30 दिसंबर तक आना नहीं भूलें, और शिल्पग्राम में राजस्थान की संस्कृति, देशभर की संस्कृति से जरूर रूबरू हुए। कैमरामैन प्रकाश मेघवाल के साथ मैं संजीव कोकावत, नेक्स्ट न्यूज़ उदयपुर राजस्थान।